बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन्नाव के इस्तेमाल और इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। ये एक फल है जो खुश बेर की मानिंद लगता है। आप में से कुछ लोगों ने इसे देखा भी होगा और कुछ ने नहीं भी देखा होगा। ये किसी भी पंसारी की दुकान पे बआसानी मिल जाता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, मसलन ये फोड़े फुंसियों के दाग दूर करता है, टीबी में, हाई ब्लड प्रेशर में, ये तासीर में मोतदिल है, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जॉइंट्स के पेन के लिए भी बेहद मुफीद है ये। लेकिन इस वक्त जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो स्पेशली बड़ी चेचक के दाग को दूर करने के बारे में है। सबको ये पता है कि ये बड़ी चेचक बचपन में निकलती है तो बुढ़ापे तक इसके निशान बाकी रहते हैं, लेकिन उन्नाव के इस्तेमाल में इसका 100% इलाज है। 100% मैं क्यों कह रही हूँ इस बात को भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी एक दोस्त थी, उसके फादर को इस दौर में, यानी आज से 5-6 साल पुरानी बात है कि उनको बड़ी वाली चेचक निकली और उन्होंने उन्नाव का शरबत बना के पिया और उनका बिल्कुल कोई निशान बाकी नहीं रहा। तो मैं, आप भी इस बात को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुस्तफ़ीद हो सके। शरबत कैसे बनाते हैं आइए मैं आपको बताती। ये देखें, मैंने रात को ये इसमें साग और नाप भिगो दिए थे। अब इसको मसल मसल के इसको ऑड नंबर में भिगोना है, मसलन 1, 3, 5, 7, 9, 11। 11 तक आप यूज़ कर सकते हैं। कोई छोटा बच्चा है खुदा न खास्ता तो उसे 3 से 5 तक पिलाएं। ये इसको मैं मसल मसल के इस तरह से, हम मैंने 1 गिलास पानी में इसको भिगोया था, और इसको इस तरह से मसल मसल के हम इसका निकाल लेंगे। जब तक आपका 100% फायदा ना हो इसको निहार मुंह पीना है। ये हो गया, बस मैं अब इसको छान लूंगी। अभी तक तो हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि बचपन बच्चों को निकलती हैं। देखें, अब तो वैसे भी किसी भी बीमारी के लिए कोई उम्र बाकी नहीं रही, खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई मसला हो, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बस अब मैं इसे गिलास में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे गिलास में निकाल दिया है। आप भी इसी तरह रात को इसे ऑड नंबर में भिगोएं और सुबह छान के निहार मुंह पिए। जब तक कि 100% फ़ायदा ना हो जाए, आप भी इस बात को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर में एक लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।